एक प्रेशर रहता है कि फैक्ट्स सही तरह से लोगों तक पहुंचने चाहिए. तो पहले जानना चाहूंगा कि क्या क्या रिसर्च लगी फिल्म को लेकर, उस बारे में हमें बताइए, और थोड़ा सा अगर फिल्म के ड्राफ्ट के बारे में हमारी ऑडियंस से शेयर करना चाहिए. जहाँ पर रिसर्च की बात है तो ये रिसर्च हमारा 2 साल पुराना रहा है. 2 साल रिसर्च और इस लेवल पर रिसर्च रहा है कि वो पिज्जा खाते हुए बैठ के एसी हॉल में नहीं रहा है, वो किसी विदेशी मुल्क में जाके वहाँ से किस तरह से लोगों का पलायन होता है, वहाँ पे किस तरह से लोगों के साथ अत्याचार हुआ है. ग्राउंड लेवल पर जाकर वो काम किया गया है जो शायद किसी ने अभी तक बॉलीवुड में ना किया हो. उस लेवल पर रिसर्च हुआ है और उस रिसर्च को सच मानते हुए आज सेंसर बोर्ड ने हमें ओके किया कि भाई आपकी फिल्म रिलीज हो सकती है, आपकी चीजें जो आप बोले वो सच है. तो उस ग्राउंड लेवल पर 2 साल तक काम करने के बाद फिर उससे भी ज्यादा मेहनत हुई हमारी शूटिंग पर, क्योंकि जो चीजें धरातल पे हमने देखी थी उसको एज इट इज पर्दे पर उतारना भी हमारे लिए बहुत एक चैलेंज का काम था, एक बहुत मुश्किल काम था, जो हमने सबके सहयोग, मेरी पूरी टीम ने अच्छा काम किया, उनके सबके सहयोग से हमने काम किया और आज फिल्म हमारी रिलीज के लिए तैयार हो रही है. इसमें दोनों चीजें हमारे लिए मैटर करती हैं कि हमारा रिसर्च और हमारा ग्राउंड लेवल पर किया हुआ काम. ग्राउंड लेवल पर जो काम हुआ है उसमें भी मुश्किलें कम नहीं थी. जिस तरह से रिसर्च पर बहुत बड़े मुश्किलें थी वैसे ही मुश्किलात ग्राउंड लेवल पर काम करने में भी थी, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा संसाधन नहीं थे, हमारे पास टीम बहुत ज्यादा थी, जंगल था, शेर थे, बाघ थे, सांप थे, हमारे पास किसी के पास कुछ प्रोडक्शन देने के लिए कुछ भी नहीं था. लेकिन फिर भी हम लोगों ने एक जुनून के तहत, एक आंदोलन के तहत इस फिल्म को बनाया और आज इस मुकाम पर यहाँ तक लेकर आए हैं ताकि लोग इसको देखें, दुनिया देखे और हमारे जो इंसानियत, जो मानवता के खिलाफ जो काम हो रहा है उसके खिलाफ एक माहौल बने और हम सब लोग इंसान बनकर एक जिंदा जैसे इंसान रहते हैं हम उस तरह से सब लोग रहें. ये चाहे बंगाल में हो रहा हो, चाहे यूपी में हो, चाहे कश्मीर में हो, हम किसी पर्टिकुलर किसी स्टेट की बात नहीं करते हैं, किसी राजनीति की बात नहीं करते हैं. हमारा जो नज़रिया है फिल्म बनाने का वो बेसिक फैक्ट है. ये कोई प्रोपोगंडा नहीं है कि आपने प्रोपोगंडा फिल्म बना दी. अगर इसको प्रोपोगंडा फिल्म बोलते हैं सच बोलने वाली फिल्मों को, तो मुझे लगता है सारी फिल्में ऐसी ही बननी चाहिए, प्रोपोगंडा फिल्में ही बननी चाहिए, क्योंकि हम सच बोल रहे हैं. हमने बंगाल के उस दर्द को सिर्फ 1% दिखाने की कोशिश कर पाए हैं, क्योंकि 100% किसी फिल्मकार की हैसियत नहीं कि उस फिल्म को, उस दर्द को समेट सके जो आज 80 सालों से वहां पर हो रहा है. आज़ादी के पहले से लेकर अभी तक जो चीज़ें बंगाल जो दर्द झेल रहा है, पंजाब से भी ज़्यादा दर्द बंगाल ने झेला है. और पंजाब में तो आज बहुत स्टेबिलिटी हो गई है, लेकिन बंगाल आज भी हमारा बहुत डिस्टर्ब है. क्यों है? क्योंकि वहां पर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है. वोट बैंक के लिए वहां पर कुछ भी किया जा रहा है. आप सोचिए कि संदेश खाली का मुद्दा मैंने सबसे पहले इस फिल्म के माध्यम से 2 साल पहले उठाया और उसके बाद ही हम सब लोगों पर FIR दर्ज हो गई वहां पर. उस वक्त मीडिया ने बोला ये प्रोपोगंडा है, आपने कैसे कह दिया. जब वही चीज निकल कर आज सामने आई आप लोगों के सामने, पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया थूक रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन वही मुद्दा मैंने फिल्म के माध्यम से जब उठाया था उस वक्त सरकार ने हम सबको जेल में डालने की कोशिश की और आज भी हम लोग उस चीज से जूझ रहे हैं. लीगल मामलों में आज भी हमारी फिल्म जूझ रही है, लेकिन फिर भी सेंसर बोर्ड और इनकी सबकी दया रही कि अगले महीने तक हम लोग फिल्म को रिलीज करने की स्थिति में आ पाएंगे. लेकिन सेंसर बोर्ड की नियति अच्छी नहीं लग रही है मुझे, जिसमें बैठे हुए वामपंथी लोग अभी भी हैं जो इस फिल्म को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके वजह से आप लोग यहाँ पर हम लोग मौजूद हुए. आज 3 महीने से हमारी फिल्म सेंसर बोर्ड में जमा होने के बाद, सारे कट जमा करने के बाद भी सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट का इंतजार कर रही है. अब आप बताइए कौन सा कानून है, ये कौन सा लॉ है जो आप सब कुछ सबमिट करने के बाद भी हमें सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हो और रीजन भी नहीं बता रहे हो कि हम किस वजह से आपकी फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं दे रहे. ये क्या तरीका है आपका? लाखों करोड़ रुपए का पैसा लगा हुआ है, मान सम्मान इज्जत लगी हुई है सब लोगों की, करोड़ रुपए खर्च हुआ है, इसका जवाबदार कौन है? कौन सेंसर बोर्ड इसका जवाबदार है? कौन लेगा इसकी जवाबदेही जब हमारी फिल्म सही समय पर रिलीज नहीं हो पा रही? आज हम 3 महीने लेट हो चुके हैं इस फिल्म को लेकर के, आज हम यहां पर मौजूद हैं. तो ये दर्द है एक देश के लिए, हम समाज के लिए काम कर रहे हैं. उस समाज के काम में अगर हमारे साथ इस तरह से मिसबिहेव हो रहा है, हम सही समय पर नहीं आ पा रहे हैं, हमारी चीजें सही समय पर नहीं आ रही, इसका दोषी कौन है? क्या हमारे भैंसों की भरपाई करेगा सेंसर बोर्ड? क्या ये आप लोग बताइए मुझे. आज इस मुद्दे से हम लोग यहाँ पर बैठे, कोई रीजन नहीं बता रहे हैं. वो लोग बोले सब ठीक है, हमारे यहाँ जमा है. अरे जमा है तो दो सर्टिफिकेट दो. हम 1.5 महीने से चिल्ला रहे हैं हमें सर्टिफिकेट दो भैया, फिल्म रिलीज करनी है. बाद में हमारे पास जब कोई नहीं बचेगा तो हम कहां से फिल्म को लेकर के आएंगे मार्केट में?
जाहिर सी बात इसके पीछे पाकिस्तान और सारे लोग काम कर रहे हैं जो हमारे फिल्म के अगेंस्ट में है, जो हमारे देश के अगेंस्ट में है, जो मानवता के अगेंस्ट में है। इंसानियत के लिए हमने अगर फिल्म बनाई, अगर इसके अगेंस्ट में कोई जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो हमारे देश के खिलाफ है, वो चाहे सेंसर बोर्ड ही क्यों ना हो। आज सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, लेकिन सरकार को भी जरूरत है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करने के लिए कि जो राष्ट्रवादी फिल्मों को, जो सच बोलने का मादा उठाए, आज 70 सालों के बाद ऐसी फिल्मों को बाहर आने के लिए कौन रोक रहा है, कौन ऐसी ताकत है जो रोक रही है, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। और वही आवाज उठाने के लिए आज हम सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। आपने शुरुआत की ना कि कैसे आप रिसर्च शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो जाहिर है आपके रिसर्च में क्योंकि कुछ एक फाइंडिंग होगी, कुछ डेटा होगा, उसके बारे में आप बता सकते हैं कि आपके रिसर्च में क्या फाइंडिंग है, क्या डेटा है? देखिए, जो फाइंडिंग और डेटा हमारे पास रिसर्च का था वो हमने सब सेंसर बोर्ड के सामने रखा। सेंसर बोर्ड ने उसको एक्सेप्ट किया, उसकी कमेटी ने पहले रिजेक्ट किया, दूसरी बार फिर जब फिर से कमेटी बैठी तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ आप जो बोल रहे हो वो सच है, क्योंकि वो हाँ जी आपने जो रिसर्च किया उसके रिसर्च के अनुसार क्या कंक्लूजन हुआ, क्या इशू है, उसमें कुछ डेटा है? देखिए, मेरा मकसद फिल्म को बनाना था, उस आवाज को उठाना था जो विदेशों में बहुत कम लोग, चंद लोग जो दूसरे धर्मों के बच्चे हुए उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, मुझे उस आवाज को उठाना था। वो चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो, जहां पर माइनॉरिटी, जहां पर 24% 22% लोग रहते थे, वहां पर 1-2% लोग बचे हैं खाली, बाकी 22% कहां गए? ये हमारी फिल्म की कहानी है, ये हमारी फिल्म का थॉट ही है कि 22% लोग कहां गए। ऐसी 2-4 हज़ार फिल्में बन जाएंगी, इतना डेटा, इतना मानवाधिकार के पास इतना डेटा भरा हुआ है। मैंने उन्हीं से रेफरेंस लिया है और ग्राउंड लेवल पर जाकर उन चीजों को चेक किया है, तब मैंने फिल्म में उसको रखा है। मैंने विशेष तौर पर मानवाधिकार आयोग और जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की गई हुई याचिकाएं हैं, मैंने उनके आधार पर काम किया है और इस फिल्म को मैंने बनाया। सर, ऑब्वियसली जो हमारे हिंदू भाई हैं जो नेबरिंग कंट्रीज में हुआ प्रोसिक्यूटेड, जी, तो उनका तो खैर इट्स अ सैड रियलिटी, लेकिन जो बंगाल में शायद और असम में भी जो ज्यादा एक मैं कहूंगा प्रेसिंग इशू रहा है इतने सालों से, वो वही रहा है रोहिंग्या से इलीगल माइग्रेंट्स का। हां बिल्कुल है। तो क्या ये फिल्म उस पे भी टच करती है? बिल्कुल वही है, टच नहीं करती, इन सारी चीजों को टच करती है, विदेशों में जो हो रहा है उसको भी टच करती है, और उसके बाद वही जो माइनॉरिटीज यहाँ पर आती उसके साथ क्या हाल हो रहा है, और रोहिंग्या आते तो उनके साथ क्या हाल हो रहा है, जो वहाँ के लोग आते हैं वो चूंकि बहुत गिने चुने चंद लोग, उनका कोई वोट बैंक है नहीं तो उनको कचरे में फेंक दिया जाता है, लेकिन जो वहाँ से जो लोग आते हैं जिनके पास एक पहनने के लिए कपड़ा है, इनके पास एक लोटा है, गरीब लोग हैं, एकदम निर्धन है, लेकिन फिर भी उनको दमाद जैसा बनाया जा रहा है, यहाँ पर बिठाया जा रहा है, और उसके बाद उनको जब सरकारी सहूलियत मिल जाती है तो वही लोग पूरे देश में क्या करते हैं ये बताने की जरूरत नहीं, आप लोग मीडिया के लोग हैं, सबके पास आंकड़े मौजूद होंगे। चुनाव से पहले इस फिल्म को लेकर आप आए हो और रिलीज की बात कर रहे हो, मगर सेंसर बोर्ड की तरफ से इस चुनाव से नहीं मिलता है प्रस्तुति, तो क्या करेंगे? चुनाव से क्या मतलब है? क्योंकि ये फिल्म कहीं ना कहीं यही करती है, चुनाव इसके बाद भी तो होंगे, इस फिल्म के रिलीज के बाद भी तो चुनाव होंगे, तब क्या करोगे आप? उसके बाद हर इस देश में हमेशा चुनाव होते रहते हैं, अभी तो आधे चुनाव होने वाले हैं, मान लो मैं कह रहा हूँ इलेक्शन की बात तो इसमें करना ही बेकार है। मैं रेवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ सर, डिले हो गई थी जी, इलेक्शन कमीशन जो कोड ऑफ कंडक्ट, हाँ जी, उसके अनुसार आप इलेक्शन से कुछ एक महीना पहले और कुछ शायद एक महीने बाद आप ऐसी फिल्में नहीं दिखा सकते, तो उस हिसाब से मतलब शायद इसलिए मेरे ख्याल से आपको लगता है सीबीएसई टेंशन में होगा क्योंकि वो भी शायद कुछ नहीं, तो हमें फिर अप्रूव क्यों किया है? सेंसर बोर्ड ने हमें अप्रूव क्यों किया कि आपकी फिल्म रिलीज के लिए रेडी है? मुझे इसका जवाब चाहिए सेंसर बोर्ड से कि हमें अप्रूव क्यों किया? अगर अप्रूव किया तो मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, फिर सर्टिफिकेट
बिल्कुल। लेकिन जब आपने ट्रेलर लॉन्च किया था तो आपके खिलाफ नोटिस जारी हुई थी भोपाल पुलिस से, उसमें अब ऑर्डर भी आ गया है और ऐसे में अब आप फिल्म को रिलीज करने की बात कर रहे हैं, क्या वजह मानते हैं? सेंसर बोर्ड कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हैं क्योंकि ये पर्टिकुलर फिल्म एक राज्य को दर्शाती हुई। मेरा ये मानना है, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ जो अपोजिशन है उनका ये फंडा है कि किसी तरह इस फिल्म को रोक दिया जाए। मैं कह रहा हूँ इलेक्शन के बाद भी आएगी तो बात तो वही होगी ना, हम इलेक्शन से 3 महीने पहले फिल्म को रिलीज करना चाह रहे हैं, हमको इलेक्शन से मतलब नहीं, हमें मतलब है कि हम जो मेरा टारगेट ओरिएंटेड जो हमारा ऑडियंस है मैं वहां तक पहुंचूं और हमारे जो पैसे लगे हुए हैं वो भी वापस आए, क्योंकि ब्याज पे लिया हुआ पैसा है, कई करोड़ ब्याज पे लिया हुआ पैसा है। जी सीए बाद में लागू हुआ अच्छी बात है, लेकिन बंगाल में लागू हो गया है कि नहीं ये भी नहीं पता मुझे, क्योंकि वहां से तो मुझे सुनने में आ रहा है कि हम सीए लागू नहीं करेंगे, ऐसी बातें सुनने में आ रही है। तो इस पर भी हम लोग क्यों नहीं कभी सवाल उठाते कि पूरे देश दुनिया में जिस कानून की जरूरत है, हमारी फिल्म सीए एनआरसी कानून का सबसे बड़ा पक्षधर हमारी फिल्म है, हम उस आवाज को लेकर आ रहे हैं कि क्यों जरूरत पड़ी इस कानून की। और जो संसद में अगर माननीय अमित शाह जी ने जो बोला है, जो बात किया है, वो इतना दर्दनाक क्यों है, उसकी वजह मैं दिखा रहा हूँ इस फिल्म में ना, और वो ऑथेंटिकल है, वो वजह सब आप लोग भी जान सकते हो, अगर आप देश दुनिया देखना चाहते हो तो वो चीजें आज भी आपके आसपास मौजूद है। तो मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ इलेक्शन में, मुझे कोई इलेक्शन थोड़े लड़ना है कि मैं वहां जाके चुनाव लड़ने लगूंगा। और नहीं सुनिए सर, विपक्ष की मैं नहीं बात करता हूँ सर, मैं कह रहा हूँ पॉलिटिक्स इलेक्शन से इस फिल्म का क्या लेना देना, ना हम कोई राजनीति कर रहे हैं, ना हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, ना बीजेपी ने उसने फंडिंग की है कोई कि मैं उसको फायदा पहुंचाने जा रहा हूं। अगर बीजेपी फंडिंग करती तो हम लोग साल भर पैसे मांगने के लिए नहीं घूमते रहते कि भैया फिल्म के पैसे दो तो हमको, और अगर फिल्म में हमने फंडिंग विदेशी बीजेपी की फंडिंग होती, आरएसएस की फंडिंग होती, तो ये पिक्चर 500 करोड़ की बनी होती, इस फिल्म में अक्षय कुमार सलमान खान जैसे लोग होते, हम न्यू कुमार थिएटर आर्टिस्ट को लेकर फिल्म नहीं बनाते सर, आप इस बात को भी समझिए, मेरी दर्द को समझिए आप। देखिए मैं पहले अपना परिचय दे दूं, मैं पहले वसीम रिजवी था और शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश का 4 बार अध्यक्ष रहा हूं, 2 बार दर्जा राज मंत्री रहा हूं, और कुछ स्थितियां ऐसी आई, चाहे वो राम मंदिर का इशू हो उसमें भी मैं पक्षकार था, और ऐसा टकराव पैदा हुआ जिस धर्म से मैं ताल्लुक रखता था, इस्लाम से, तो मुझे इस्लाम से निकाला गया, मैंने सनातन धर्म को इख्तियार किया, अब मैं जितेंद्र नारायण सिंह हूं। ये इशू जो है ये हमारी फिल्म द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल का है और इस इशू को हम उससे नहीं जोड़ना चाहते, वो दुनिया जानती है। देखिए द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल एक ऐसी फिल्म है, आप इसको एक बंगाल से जोड़कर नहीं देख सकते, ये एक पूरे देश की समस्या है जो बंगाल से पैदा की जा रही है, बंगाल में पैदा करके उसको परवरिश दी जा रही है, वो है रोहिंग्यास, वो कट्टरपंथी लोग जो भारत के अंदर आकर जिहाद जैसा इश्यूज के ऊपर काम करते हैं या भारत के अंदर आकर गजवाए हिंद की बात करते हैं, उस तरह के इश्यूज के ऊपर हमारी ये फिल्म है द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल जो उसको एक्सपोज करती है। ये बंगाल का रास्ता इसलिए है क्योंकि घुसपैठ वहां से हो रही है, वहां पर हुकूमत, हम साफ नाम लेना चाहते हैं, मैं डरता नहीं हूं, मैं आज तक किसी से नहीं डरा, मेरे ऊपर 5 करोड़ का गर्दन काटने का इनाम भी है, वो इसी बात पर है कि मैंने जिस धर्म में मैं था मैंने उस धर्म को आगे रिफॉर्म करने की बात कही थी कि हमारे बच्चों का फ्यूचर इस कट्टरपंथी मानसिकता में नहीं है, इसको रिफॉर्म करो, नई चीजें लाओ जिससे हमारे बच्चों का भविष्य बने, ना कि हम उन पे दाढ़ी और टोपी रखकर उनको एक कट्टरपंथी
मानसिकता का व्यक्ति बना दे जो जिहाद के लिए लड़े। देश के लिए लड़ने की बात अगर पड़ती है तो देश के लिए लड़ने के लिए सामने आओ। जिहाद क्या होता है? पूरी दुनिया जिहाद जैसे बीमारी से ग्रस्त है, ये प्रॉब्लम है। लेकिन जब इस फिल्म को हम बना रहे थे तो हमने इस पर रिसर्च की। इश्यूज ये आए कि ममता की हुकूमत जो बंगाल में है वो वही काम कर रही है जैसे कि कश्मीर में हुआ। आज वहां के हालात इतने खराब क्यों हैं? रोहिंग्याज वहां आते हैं, वो एक आबादी बनाकर रहते हैं, उनको सरकारी सहूलियतें दी जाती हैं, उनके आधार कार्ड पैन कार्ड सारी चीजें बनाई जाती हैं और उनको इंडियन नेशनलिटी देकर जब वो इस लायक हो जाते हैं कि पूरे देश में मूवमेंट कर पाए तो वो बंगाल छोड़कर पूरे देश की तरफ फैलते हैं। ये है बंगाल में रोहिंग्या का वो पैटर्न जिस पर ममता इन्वॉल्व है। ममता की राजनीति खाली बंगाल में हिंदुओं को नुकसान नहीं पहुंचा रही। बंगाल को बारूद का ढेर उन्होंने हिंदुओं के लिए सिर्फ नहीं बना रखा है, वो देश के लिए खतरा है। ममता जैसी हुकूमत जो रोहिंग्यास के रहबो करम पर चल रही है, जो विदेशी कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों के पॉलिसी को अडॉप्ट किए हुए है, ये उनकी वो राजनीति खाली बंगाल के लिए नहीं है, देश के लिए है। हमने इस फिल्म के माध्यम से वो सवाल पैदा किया है जिसको आम प्रोड्यूसर आम डायरेक्टर या आम कलाकार करने को तैयार भी नहीं होता। हमारे कलाकारों ने जिसमें जिन्होंने इसमें एक्ट किया है उन्हीं ने भी हिम्मत का काम किया है, क्योंकि जब भी हम किसी से बात करते थे स्टोरी बताते थे लोग डर जाते थे, नहीं नहीं क्यों, ममता से इतनी एक डर का माहौल क्यों है? हमने सिर्फ नाम एक्सपोज किया था कि हम डेरी ऑफ वेस्ट बंगाल बना रहे हैं तो हमारे ऊपर हमारे डायरेक्टर साहब के ऊपर एफआईआर हो गई। हम किसी एफआईआर से नहीं डरते, न मौत से डरते हैं, इस तरह के फतवों से भी नहीं डरते जो फतवा हमको मिला। हम दिल्ली बॉम्बे में सेंसर करा रहे थे तब हमारी मेल पर एक फतवा आया। उस फतवे में वो फतवा था जामिया दारुल उलूम कराची पाकिस्तान का। उस फतवे में मुझको मारने की धमकी दी गई जिसमें कहा गया कि तुम्हारे सर काटने का फतवा पहले ही जारी किया जा चुका है, जो तुम्हारे जिंदा रहते तक वो बाकी रहने वाला है। ये मुझे धमकाया गया। फिर ये कहा गया कि जो ये फिल्म है दी डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, ये ममता जैसी अच्छी हुकूमतों को बदनाम करने के लिए। बस सोचने की बात यह है कि ममता जैसी अच्छी हुकूमत जिसको पाकिस्तान से आए फतवे में मोर दी जा रही है, प्रूव किया जा रहा है कि वो अच्छी हुकूमत है, तो अगर ममता पाकिस्तान के लिए अच्छी है तो जरूर इस देश के लिए खतरा है, हिंदुओं के लिए खतरा है। और वो हो रहा है, वो हो रहा है। वहां पर हिंदू मारे जाते हैं तो उसकी खबर भी नहीं छपती, क्योंकि हर चीज ममता के कंट्रोल में है, वहां की खबरें बाहर नहीं जाती। तो उस फतवे में यह भी लिखा है कि तुम को चेतावनी दी जाती है कि तुम इस फिल्म को रिलीज ना करो, इसमें जो भी तुम्हारा खर्च आया है वो खर्चा रिलीज ना करने के ऐलान के बाद तुमको मिल जाएगा, और तुम इस फिल्म को रिलीज करते हो तो चेतावनी है तुम बड़े नुकसान में जाओगे। तो मारने की तो बात खत्म हो गई, मार तो वो देना ही चाहते, पूरा मुस्लिम वर्ल्ड मुझे मारना चाहता है, मेरी हत्या करना चाहता है, तो उससे मैं डरता नहीं, जितनी सांसें हैं उतनी मुझे जीनी। तो अब इस फतवे को हम क्या माने? हमको डराने के लिए, इस फिल्म को रोकने में लालच देने के लिए? वैसे मैंने इस फतवे के खिलाफ उत्तर प्रदेश की जो पुलिस विभाग है उससे शिकायत भी दर्ज करा दी है और उस पर कार्रवाई की मांग की है कि ये फतवा मेरी मेल पे आया है। तो इस तरह के फतवों से हम डरने वाले नहीं, लेकिन फतवों से डर लगता है। ये फतवा हो सकता है कि सेंसर बोर्ड को भी आया हो,
हो सकता है कि आज हमारी फिल्म का अप्रूवल दे चुके हैं, स्क्रीनिंग के बाद फिल्म का अप्रूवल दे चुके हैं, लेकिन सर्टिफिकेट रोके हुए हैं। उसकी वजह क्या है यह भी मुझे मालूम नहीं, ना उन्होंने लिखित तौर पर यह सर्टिफिकेट देने की बात बताई है कि हम क्यों रोके हुए हैं। लेकिन उनके नियम के अनुसार सर्टिफिकेट उनको मैंने 27/12/2023 में एप्लीकेशन मूव की थी और हमारा अप्रूवल नोटिफिकेशन इलेक्शन के आने से पहले ही वो दे चुके थे, तो सर्टिफिकेट क्यों नहीं दे रहे हैं ये उनको बताना हमको लिखित तौर पर चाहिए। अगर वो कंसीडर कर रहे हैं कोर्ट ऑफ कंडक्ट को तो वो भी हमें इन्फॉर्म करना चाहिए। और अगर आपने हमको सर्टिफिकेट दे दिया, अप्रूव कर दिया, तो फिर आपने कौन सी ऐसी चीज अप्रूव कर दी है जिसको दिखाने के लिए आप समझते हैं कि शांति व्यवस्था भंग हो जाएगी। और वही हालात पहले भी है, वही हालात बाद में भी है। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस फिल्म को रिलीज करें तो आप रोके क्यों है? हो सकता है, देखिए हम लोग छोटे प्रोड्यूसर हैं, कम दायरे में काम करना करते हैं, हम पे इल्जाम जरूर लगेंगे कि यह भाजपा का प्रोपोगंडा है। भाजपा का प्रोपोगंडा होता तो भाजपा से फंडिंग भी होती और हम किसी बड़े एक्टर को लेकर इस फिल्म को बना रहे होते। हमने मंझे हुए एक्टर जरूर लिए हैं जो किफायती पैसों में मेरे साथ काम करने आए हैं, वो मंझे हुए एक्टर हैं जो बड़े एक्टर से भी अच्छी एक्टिंग करना जानते हैं, उन्हीं ने इसमें अपना जो रोल है वो अदा किया है। लेकिन अब ये कहा जाए कि ये सरकार के सपोर्ट में है, किसी भी बात को कमजोर करने के लिए हमेशा ये इल्जाम लगा दिया जाता है कि ये प्रोपोगंडा है, ये कमजोर करने की बात है। जब आप किसी की सच्चाई बता नहीं सकते, संदेश खली में जो हुआ, शहजहां शेख जैसे बंगाल के अंदर एक नहीं है, बीसियों शहजहां शेख हैं जिनका वहां एम्पायर चल रहा है, जो बंगाल में इस्लामिक शरीयत के कानून को भी अपने अपने क्षेत्रों में लागू किए हुए हैं, हमने खुद देखा है। वहां पर हिंदू किस डर और दबाव में रह रहा है यह देखने वाली बात है। और अगर ऐसे समाज, ऐसे मुद्दों को हम सर नहीं लाएंगे तो फिर इसको दिखाएगा कौन अगर सब डरेंगे? प्रोड्यूसरों को एक तो डरना नहीं चाहिए, और सर्टिफिकेट अगर रोका गया है इसमें एक वजह हम ये भी आज खुले तौर पर आपसे कह दे कि हो सकता है कि फिल्म इंडस्ट्रीज के ऊपर जिनकी मोनोपोली है खान ब्रदर्स, हो सकता है खान ब्रदर्स की भी इसमें एक्टिविटीज हो। जब बात आप लिखित तौर पर हमको स्पष्ट नहीं कर रहे हैं तो हम कुछ भी सोच सकते हैं, पाकिस्तान का दबाव है, ममता का दबाव है, या खान ब्रदर्स का दबाव है, किसके दबाव में हमको फिल्म रिलीज करने के लिए वक्त पे सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जा रहा है। देना तो पड़ेगा क्योंकि आप अप्रूवल दे चुके हो, आज नहीं दोगे कल दोगे, लेकिन वक्त पर क्यों नहीं दे रहे ये एक सवाल है। तो सीधी सी बात यह है कि फिल्म एक सामाजिक इशू के ऊपर है, हिंदुओं के साथ में बंगाल में जो ममता की हुकूमत अब कर रही है, पहले भी होता था लेकिन जो अब कर रही है वो खतरनाक है, और हिंदुओं की चिता बनाने की वहां तैयारी हो रही है, ये मैंने खुद देखा है, और इसमें ममता की हुकूमत पूरी तरह से इन्वॉल्व है। मैं इसको खुले तौर पर कह सकता हूं वो FIR करेंगी, मुझे कोई डर नहीं। हक बात बोलना, अगर गुनाह है तो वो गुनाह हमने हमेशा किया है और मैंने हमेशा हक बात ही बोली है, और इससे किसी को तकलीफ होती है तो उसकी हमें परवाह नहीं। हम बचपन से हमारा एक मिजाज रहा है कि हम मेजॉरिटी को नहीं देखते, संख्या को नहीं देखते, उनका साथ देने की कोशिश करते हैं जो कम होते हैं। आज बंगाल में हिंदू डरा हुआ है, बंगाल में हिंदुओं का शोषण हो रहा है, उनके दुख और दर्द को फिल्मी प्लेटफॉर्म पर दिखाना चाहिए, इस सोच के साथ में हमने इस फिल्म को बनाया है, और हम अपने सारे जो किरदार निभाया है जिन लोगों ने, हम उन सबको बधाई देते हैं कि ये सब भी बहुत बहादुर लोग हैं जिन्होंने इस फिल्म का पार्ट बने। मैंने फतवा जो आया था वो,
और जिस मेल पे आया था वो, उसके प्रूफ सब मैंने अपनी उत्तर प्रदेश की हुकूमत, क्योंकि मैं बिलोंग वहां से करता हूं, मैंने उत्तर प्रदेश की हुकूमत को इस पर कार्रवाई करने के लिए भेज दिया है। चाहे एटीएस जांच करे इसकी, चाहे हाई अथॉरिटीज जांच करे, फतवा देने वाले को पकड़ना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान में छुपा क्यों ना बैठा हो। नमस्ते आप सबको, मेरा नाम अर्शन है और मैंने एक कैरेक्टर सुहासनी का किरदार किया है। मुझे जब सरोज सर ने स्टोरी बोली एज एन एक्टर, मुझे स्टोरी बहुत पसंद आई एंड एज एन एक्टर मुझे लगा कि ये मेरे कैपेबिलिटी को और एक्सटेंड कर सकता है, इसलिए मुझे ये किरदार करने में काफ़ी संतुष्टि हुई। अर्शन, वीडियो देख कैसा लग रहा है कि आपका कैरेक्टर शायद दूसरे देश से आया है और प्रोसिक्यूटेड है? जी सर, बस एक सिंपल सा सवाल था कि एक प्रोसिक्यूटेड, चाहे उसका नाम हो सुहासिनी हो या फिर सबीना हो, इसमें तो कोई फर्क नहीं है जी। तो फिर जो सीए है उसके अंदर जो एक कॉन्स्टिट्यूशनली भी जो बात छिड़ी गई है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिकॉज ये धर्म जात के नाम पे ये डिस्क्रिमिनेट करता है। तो कंसिडरिंग दैट यू हैव प्लेड अ पर्सिक्यूटेड कैरेक्टर ऑलरेडी जस्ट इन द रियल, तो इस चीज़ पे आप क्या कहना चाहेंगे? इट्स जनरली कोई भी नाम हो सकता था कैरेक्टर का, सुहासिनी हो सकता था या कोई साइरा या कुछ भी हो सकता था, ये एक सुहासिनी है और नाम पसंद था सर को, इसलिए मैं कह रहा हूं कि सुहासिनी के लिए सीए द्वारा भारत में जगह है, लेकिन सबीना के लिए क्यों नहीं? ऑफ कोर्स बदलाव है उसमें, चेंजेस है। देखिए इसके ऊपर मैं बता दूं, ये कलाकार लोग हैं, इनसे सवाल नहीं पूछा जाए, पॉलिटिकल है। देखिए सबीना सायरन सुहासिनी के लिए जगह इसलिए है कि सुहासिनी जैसे बहुत से परिवार इस्लामिक कट्टरपंथी मानसिकता का पड़ोसी मुल्क में शिकार है, इसलिए सीए लागू हुआ है। सीए कोई हिंदुस्तानी की जो नेशनलिटी है वो ले लिया, जो सीए के खिलाफ प्रोपोगंडा होता है इस पर तो हर हिंदुस्तानी को गर्व करना चाहिए कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क ने पड़ोसी मुल्क के उन अल्पसंख्यक, पाकिस्तान ने सीए क्यों नहीं लागू किया? अगर पाकिस्तान समझता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान परेशान है तो उसने अपने दामन क्यों नहीं फैला दिया कि आओ मेरे आगोश में आ जाओ? क्यों भारत ने क्यों ऐसा किया? भारत को दर्द है उन हिंदुओं का जो पड़ोसी मुल्क में ज़ारती का शिकार है, लेकिन उन मुस्लिम मुल्कों को अपने मुसलमानों का दर्द नहीं अगर वो समझते हैं, जबकि हम हिंदुस्तान में बहुत खुश है, सारा मुसलमान यहां सुरक्षित है। वो हालात नहीं है, जब पार्टीशन हुआ था तो यहां जो मुसलमानों की संख्या थी अगर आज आप देखें तो वो बहुत ज्यादा हो चुकी है, और कुछ दिन के बाद ये अल्पसंख्यक नहीं रहेंगे, ये अल्पसंख्यक स्टेटस से बाहर चले जाएंगे, जा चुके हैं और कई स्टेट में जा चुके हैं। मैंने इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखी है कि अल्पसंख्यक स्टेटस भी स्टेट वाइज देना चाहिए, कश्मीर में हिंदुओं को अल्पसंख्यक स्टेटस मिलना चाहिए, केरल में हिंदुओं को अल्पसंख्यक स्टेटस मिलना चाहिए, उसके फायदे मिलने चाहिए, लेकिन यह तो एक अलग इशू है। लेकिन अगर के हिंदुस्तान ने सीए जैसा कानून बनाया है तो वो उसका स्वागत होना चाहिए। यहां का वो मुसलमान जो कट्टरपंथी मानसिकता रखता है, जो रहता तो हिंदुस्तान में है लेकिन हिंदुस्तान से कहीं ना कहीं इस बात से मलाल रखता है कि ये एक हिंदू आबादी का मुल्क है, इस बात का दर्द अगर अपने दिल में भेदभाव रखता है धार्मिक भावनाओं से, तो वो देश का गद्दार है। इसलिए गद्दार है क्योंकि तुम्हें इस देश के बारे में सोचना चाहिए। आप अल्पसंख्यक हैं लेकिन आपकी तादाद कम नहीं हुई, लेकिन पड़ोसी मुल्कों में इतनी तादाद घट कैसे गई, इस पर कैसे आप विचार कीजिए ना। और अगर उनके आंसू पोंछने का भारत की हुकूमत ने कोई काम किया है तो ममता को इस पर दर्ज क्यों होता है? ममता मुखिया है बंगाल की, ममता बनर्जी हिंदुओं की कातिल है, ममता बनर्जी उन ताकतों को बंगाल के जरिए पूरे देश में लागू कर रही है जो हिंदुस्तान को जलाना चाहती है।
मेरा सवाल एक एक्ट्रेस से है, एक मिनट मेरा सवाल एक्ट्रेस से, आपने पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं किया, बट एटलीस्ट शी इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड आई वुड लाइक टू आस्क हर व्हाट डज शी नो अबाउट CAA, दैट इज पार्ट ऑफ योर नॉलेज. Yeah, and should it be implemented or not? I actually would not know what CAA के बारे में उनको जानकारी नहीं. Yeah, मुझे नहीं है जानकारी. पर implementation होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, आपको सुनना चाहिए. बिल्कुल. कि मुझे जानकारी नहीं है, जानकारी होने के बाद I would like to answer the question. जी. ये इतना बड़ा मुद्दा है. हाँ जी, बड़ा मुद्दा है. जुड़ा नहीं है पॉलिटिकली, इसको आप मुद्दा भी कह सकते हैं. मैंने कहा मैं क्योंकि मैं इनको तो जो आपने कैरेक्टर दिया, ये उस कैरेक्टर में मैंने इनको देखा कि जो कैरेक्टर ये कर रही है उसमें ये पूरी तरह से इन्वॉल्व है. आप मुझे एक्टिंग के रिलेटेड पूछ सकते हैं. वेल, एज एन एक्टर बिफोर आई हैव ऑलवेज डन, मैंने ग्लैमरस रोल्स की है. ये कैरेक्टर मेरे लिए बहुत डिफरेंट था. इट इज़ अ पर्सन रनिंग अवे फ्रॉम बांग्लादेश, एक कैरेक्टर है, और ऐसा कैरेक्टर मैंने कभी पहले निभाया नहीं है, तो मेरे लिए भी एक बहुत चैलेंजिंग वाला कैरेक्टर था. एज एन एक्टर जब हमें ये ऐसा रोल मिलता है, वी फील वेरी लकी टू डू दीज काइंड ऑफ रोल्स. जी, ऑब्वियसली पहले आपकी अलग पहचान थी, और लेकिन फिल्म के पोस्टर में आपका पुराना नाम ही लिखा है, इसके पीछे कोई वजह? देखिए, ये वसीम रिजवी फिल्म्स मैंने 2018 में रजिस्टर्ड की थी, तो ये हमारी फिल्म का बैनर पहले से रजिस्टर्ड है. नाम में कुछ नहीं होता. मैं किसी धर्म का विरोधी भी नहीं हूँ, उस मानसिकता का विरोधी हूँ जो मानसिकता देश को नुकसान पहुँचा रही है, या वो मानसिकता कोई भी धर्म की मानसिकता हो जो इंसानों का बंटवारा कर रही है. मैं इस्लाम का विरोधी भी नहीं हूँ. हाँ, उन ग्रंथों का जरूर विरोधी हूँ जो कि गलत तरीके से इस्लाम के मानने वालों को फीट कराए जा रहे हैं, जिनके जहन के अंदर एक ऐसा अल्फाज दूसरे धर्म वालों के लिए बिठाया जा रहा है जिसको हम काफिर कहते हैं. ये नहीं होना चाहिए. Can I ask a simple question from Arshi? Yeah. This film, The Diary of Miss Bengal, has already, become a controversial film. Right. So do you think such commercial films will garner eyeballs and it will benefit you in the on getting roles? See, as an actor, I would always see different kinds of characters that I get in life, you know. So this kind of character would definitely portray me as an actor, because it has a lot of intense things which we haven't done before. तो हमेशा एक लड़की को देख के ऐसा लगता है, अरे वाह, ग्लैमर है, ये है, वो है. But to this movie, it specifies a lot of struggle of a girl going through a lot of things in her life. So definitely. जी, एक मेरा मेरी तरफ से एक आखिरी सवाल. ऐसी फिल्मों को देखे, मतलब इसके दो, आई थिंक स्टार्टिंग फ्रॉम द कश्मीर फाइल, उससे पहले ताश्किन खेल आई थी, वो दोनों फिल्मों ने तो बड़ा अच्छा किया था, और फिर पिछले साल आई थी केरला स्टोरी. लेकिन दुर्भाग्य से जो कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स के ऊपर ढेर सारी फिल्में आई थी, हाल ही में आई थी रणदीप मुदाजी सावरकर, और दुर्भाग्य से फिल्में बॉक्स ऑफिस पर इन दो तीन फिल्मों को छोड़ के बाकी फिल्में कोई नहीं चली है. तो यही सोचने पर मजबूर करता है कि जब बात आती है कुछ देशभक्ति की, सच्चाई का साथ देने के लिए, तो हम ट्विटर और फेसबुक इस पर तो साथ देते हैं, लेकिन हम थिएटर में फिल्म देखते नहीं जाते. इस चीज़ पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देखना चाहिए. आप कुछ कर भी नहीं सकते अगर किसी के लिए, तो आप उनके दुख और दर्द को देखे भी नहीं और समझे भी नहीं, ये तो बहुत बड़ी बुराई है. आप बंगाल में जाकर बंगाली हिंदुओं के लिए क्यों नहीं जा रही पब्लिक, आपको क्या लगता है? देखिए, क्यों नहीं जा रही है और फिल्मों में क्यों नहीं गई, इस पर तो मैं कोई कमेंट्स नहीं पास कर सकता. लेकिन ठीक है, फिल्में जो हैं वो एक तरह से इंटरटेनमेंट का एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसके साथ साथ फिल्में ऐसी भी अब बनने लगी हैं जो इस देश में समस्याओं को भी उजागर करती हैं. आप ज़रूर जाइए उस तरह की फिल्में जो
मजाकिया हो, जो रोमांटिक हो, उस तरह की फिल्में भी देखिए, लेकिन इस तरह के सब्जेक्ट को देखने भी लोगों को जाना चाहिए। आप तभी तो समझोगे कहां पर क्या हो रहा है। हमने कोई चीज दिखाई है, उस दर्द को आप महसूस नहीं करोगे तो वक्त पड़ने पे आवाज क्या उठाओगे। तो आवाज उठाने के लिए आप कुछ कर नहीं सकते, कम से कम दर्द को महसूस तो कर सकते हो। इसलिए मेरी गुजारिश यही है कि ऐसी फिल्में जब थिएटर में आए तो उसमें जाना चाहिए और देखिए कि हम क्या कह रहे हैं, या देखिए वो प्रोड्यूसर, वो डायरेक्टर, वो कलाकार किस भाव से उस फिल्म को बनाया है और उसमें क्या दिखाना चाहते हैं। हो सकता है कि कभी आपके दिल में ऐसी फिल्में देखकर रहम आए उन लोगों के लिए जो पीड़ित हैं। आप अपने घर से एक आवाज भी उठाओगे तो शायद वो आवाज उनके दर्द को कहीं ना कहीं मदद कर सकती है। सर, आप फिल्म के हीरो हो, आप जानना चाहते हैं टेरर स्टोरी के बारे में। इस तरह बोला गया सोशल मीडिया ऐसा था कि लोग सब लोग देखने को मजबूर हुआ, पिक्चर को हिट किया, जो बोला केयर स्टोरी नहीं चलेगा, इस तरह आपके बात कर रहा हूँ, इस तरह पिक्चर लोग धीरे धीरे देखने गया। क्या लगता है आपको, इस तरह आपको कामयाबी मिलने का कोई रास्ता है या आप करेक्टर बना बताइए? क्यों नहीं रास्ता है, इसमें डेफिनेटली मिलेगा, कामयाबी करेंगे क्योंकि सबने मेहनत करी है इसके अंदर। और हम लोग हमेशा पॉजिटिव रहते हैं कि चलेगी, हम ऐसा कभी नहीं सोचते कि नहीं चलेगी, हमने करा है तो चलेगी, डेफिनेटली चलेगी। और बाकी आपने क्या पूछा मुझसे, आपके रोल किरदार क्या है? जी, मेरा किरदार इसमें है, इसमें मैं दो प्ले कर रहा हूँ, अतीक और प्रतीक। पॉजिटिव भी है इसमें, नेगेटिव भी है, और काफ़ी अच्छा कैरेक्टर है इसमें। इस पिक्चर करते समय कोई डर भी लगा है कि हमारे बागपति लोग वहाँ पे है, कोई धमकियाँ हैं, इस तरह रोल कर रहा हूँ मैं, समाज में मैं किस तरह के लोग देखा है, कैसे कुछ हुआ? नहीं, ऐसे धमकी तो हमें नहीं आई, वी आर एक्टर्स, तो हमारा काम फोकस रहता है एक्टिंग पे, पॉलिटिकली हम लोग नहीं है इन्वॉल्व इसमें। और पर्सनली मैं भी, हम लोग कभी, मैं इन जनरल भी कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उस पर नहीं जाता हूँ। ये स्क्रिप्ट जब सर मेरे पास लेकर आए और उन्होंने पूरी इस पर रिसर्च करा है, कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है, 100% सच्चाई है, इसलिए हमने करी है। लेकिन पर्सनली हमें किसी के अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि हमने एक मुद्दा उठाया जिसमें हिंदू और मुस्लिम है, लेकिन अगर वो बहुत और भी रिलीजन है, हर कोई क्रिमिनल मुस्लिम नहीं है, हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी है, हर क्रिमिनल है। फिलहाल हमने एक मुद्दा उठाया, तो पर्सनली हमें किसी के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन एक सर्टन सेट ऑफ पीपल है जो ये कर रहे हैं, स्पेशली वेस्ट बंगाल में, तो वो सारी चीज़ें सर मेरे को लेकर आए। हमें स्क्रिप्ट अच्छी लगी और काफ़ी चैलेंजिंग लगा ये रोल, इसलिए हमने उसको निभाया। बट तो पॉलिटिकली हम, मुझे कोई एक वो नहीं है कि मैं इनके अगेंस्ट हूँ ऐसा। लेट तो सर ने, वही तो इसीलिए तो सर बात कर रहे हैं, लेट हमारी तरफ से, हम तो काफी टाइम से तैयार बैठे हैं, उसको आगे चीजें मिले तो निकलिए, हम भी तो वेट कर रहे हैं चीज जल्दी रिलीज हो। अरे शांति शांति शांति, रियलिटी है सर। सर, जैसे सरकारी एजेंसियों पे हमला हो रहे हैं, वो मेरी फिल्म का हिस्सा है, मैंने बताया नहीं, मैंने कोई पार्ट छोड़ा नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सारा पार्ट समेटने के चक्कर में हो सकता है कि बहुत ज्यादा डेप्थ कहीं कहीं ना है, लेकिन मैंने मुद्दे सारे उठाए हैं, भगवान से रिलेटेड सारे मुद्दे मैंने उठाया हूँ। क्यों उठाया? क्योंकि मैंने वहां पर जाकर खुद अपने आप से रिसर्च किया है, और मैं वहां पर बहुत साल मैंने बिताया, मैंने बंगला फिल्मों के लिए भी काम किया हुआ। बंगाल मेरे लिए कोई बांग्लादेश नहीं है, वो मेरे देश का हिस्सा, मेरा अपना बंगाल, मेरा खुद का वर्ग, ये कोई बाहर विदेशी मुल्क की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वहां पर अपने लोगों के साथ विदेशियों के साथ बढ़ता हो रहा, उसके लिए मैंने फिल्म बनाई। मैं गुजारिश करता हूँ अपने दूसरे जो बहुत सारे कलाकार हैं, तो उनसे भी हम आप लोगों को जरूर करा दें। आइए अब नेक्स्ट सेशन आप लोग आ गए हैं, शांति बना रहे। सारे पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। और ये फिल्म, जैसा कि इसके बारे में बताया जा चुका है, उसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। आई वुड लाइक टू टेल अबाउट माय रोल एट भूपेंद्र सरकार।
संतुष्ट हूँ इससे, क्योंकि डायरेक्टर ने जो कुछ मुझसे निकलवाना चाहा वो मैं निकाल के दे पाया हूँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ आप सब लोगों से कि डायरेक्टर हैज बीन वेरी एस्ट्यूट एंड वेरी वेरी वाइज टू यूटिलाइज ऑल द एक्टर्स फॉर डूइंग देयर रोल। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स। मेरा नाम देव फौजदार है और बेसिकली मैं 21 साल से थिएटर ही कर रहा हूँ। फिल्म में मेरा कोई इंटरेस्ट कभी रहा नहीं और ना अभी कभी है, बट जब सरोज जी मिले, वसीम जी आए और बोले कि हम चाहते हैं कि ये चरित्र आप करें, विशाल एक चरित्र है फिल्म में, तो मैंने कहा मैं तो फिल्म करता नहीं, मैं तो थिएटर ही करता हूँ, पढ़ाता हूँ या ड्रामा में नाटक करता हूँ। तो बट उन्होंने बोला कि नहीं, ये करेक्टर हम आपसे चाहते हैं कि आप ही करें। मैंने कहा आपको पक्का पता कि मैं न्याय कर पाऊंगा? तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप ही न्याय कर पाओगे। उसके बाद जस्ट वो वापस आए हमारे थिएटर में ही और बोले कि आपने पूरा न्याय किया है। मैंने कितना कुछ किया है पता नहीं। हाँ, एक छोटा सा इंसिडेंट है कि मैं, क्योंकि मैं भी कभी धार्मिक विवादों में नहीं फंसना चाहता, रंगमंच से हूँ, हम लोग की अपनी एक जिम्मेदारियाँ होती है समाज के प्रति, पूरी दुनिया के प्रति। तो मैंने इस फिल्म का कभी पोस्टर या ऐसा कुछ स्टेटस अपने फेसबुक सोशल मीडिया पर नहीं लगाया था जिसकी वजह से कहीं कुछ नेगेटिव हो जाए, उसके बहुत सारे कारण थे। लेकिन मैं पढ़ाता हूँ तो उसमें एक स्टूडेंट था जो कि बंगाल से था और इत्तेफाक से मुसलमान भी था, तो मैं उसको ये सारी बातें शेयर कर रहा था। तो उसने एक बात कही, बोला कि सर ये बिल्कुल सच है, बंगाल में सच में हिंदुओं के साथ वैसा ही होता आ रहा है, और बोला मैं इस बात का गवाह हूँ। मैंने कहा तुम तो मुसलमान हो, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो मैं मानव भी। तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये भावना थी कि बंगाल में जो कुछ हो रहा है गलत है और दिल्ली के खिलाफ। नमस्कार, मेरा नाम गौरी शंकर है। मैंने इस फिल्म में गाजी खान का करेक्टर किया है जो कि मुख्य अभिनेता, मुख्य खलनायक है, और जो सारे जितनी कारस्तानियाँ होती हैं फिल्म में निगेटिव, वो सारा मेरा किया खरा है। रोहिंग्या को लाना और सारी चीज़ों की व्यवस्थाएँ हैं, तो आप इस फिल्म में मुझे देख सकते हैं। बाकी इससे अगर मैं क्या कह सकता हूँ, बाकी तो फिल्म बताएगी। ट्रेलर में भी आपने देखा ही होगा मुझे। सो मिस्टर अक्षय कृपाल, मेरा नाम छत्रपाल सूर्यवंशी है और मैं फिल्म में को प्रोड्यूसर हूँ। और जब मुझे पता लगा कि इस फिल्म में जो हमारे सरोज मिश्रा और वसीम बिजवी जी के खिलाफ ममता दीदी ने FIR दर्ज करा दी है, तो जो फिल्म के जो पहले प्रोड्यूसर थे वो FIR को देख के पीछे हट गए। तो जब मुझे पता लगा कि इस तरीके से फाइनेंस जो लगा रहे थे वो पीछे हट गए, तो फिर मैंने इस स्टोरी को देखा, सुना कि स्टोरी देश हित में है तो मुझे उसमें फाइनेंस करना चाहिए, तो मैंने उसमें फाइनेंस किया और देश हित के लिए काम किया। मेरा नाम रीना भट्टाचार्य, अगेन आई एम अ थिएटर आर्टिस्ट एंड आई एम ट्रेन्ड अंडर देव फौजदार सर। इस मूवी में जो मेरा कैरेक्टर है, इट इज विद द नेम रेखा। रेखा इज अ विडो विद टू किड्स, और वो कैसे अपना चैलेंजेस फेस करती है, हाउ इज शी एस्केपिंग फ्रॉम द नेबरिंग कंट्री टू दिस कंट्री, यही सब चैलेंजेस के बारे में इट इज दिस अ वेरी चैलेंजिंग रोल फॉर मी। दिस इज माय डेब्यू मूवी, सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट चक्रवर्ती है। मैं इस फिल्म की शुरुआत जहाँ से इसकी नींव पड़ती है, मतलब वसीम रिजवी है, सरोज मिश्रा, वहाँ से मैं सामने मैंने देखा कि ये जो फिल्म है किस प्रकार से शुरू है, और इस फिल्म में मेरा जो रोल है वो एक कमांडर का, जिसके किस प्रकार से जो रोहिंग्या है वहाँ पर आते का प्रोसेस है वो सारा मेरे द्वारा दिखाया गया। एक भाई होने से जर्नलिस्ट का किरदार निभाया इस मूवी में आपकी तरह, और कहते हैं फिल्म जो है समाज का आईना होती है,
तो ये वही जो कुरीतियाँ हमारे आसपास होती हैं उसके ऊपर ही बनी हुई है, सच्ची घटना पर आधारित एक फिल्म है, और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग इसका प्रचार प्रसार करेंगे और ये मूवी बहुत अच्छे तरह से रिलीज होगी, आप हेल्प करेंगे और जो बंगाल में घटनाएं हो रही हैं सच्ची घटनाएं उनको एक फिल्म के जरिए दिखाया गया है और ये एक सच्चाई आना जरूरी था क्योंकि अगर नहीं आती तो हम लोगों को पता कैसे चलता, तो मैं यही बोलना चाहूँगा इसका अच्छे से प्रचार प्रसार करें।